वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपके अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में हमने फर्स्ट चैप्टर जो आपकी सेकंड बुक है भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति वाली, उसमें हमने स्टार्ट कर दिया है। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं जो कि भारत के देशी रियासतों के भारत में विलय से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज रियासतों के एकीकरण के बारे में। आप सबको पता है कि रियासतें जो थी वो किस तरह से अलग होना चाहती थी भारतीय संघ से, और किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एकीकृत किया। तो ये सारी जो है बहुत ही बढ़िया फिल्मों वाली स्टोरीज है, आप बिल्कुल सुनेंगे तो आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे वो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रियासतों का एकीकरण। ब्रिटिश भारत में दो प्रकार के प्रांत थे। सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय प्रांत, हमने पिछले वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि दो तरह के थे। एक तो वो जो सीधे ब्रिटिश इंडिया से रिलेट करते थे, यानी जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अंडर थे, ठीक है। और दूसरे थे रियासतें जो ब्रिटिश सरकार का अधीनता स्वीकार कर चुकी थी वो वाली, ठीक है। तो दो तरह के वहां पर राज्य थे। अब हुआ ये कि जो आजादी जब मिली उस समय लगभग 565 रियासतें थी। आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में 565 रियासतें थी, और उनमें से कई जो है उसी समय भारतीय संघ में शामिल हो गए। लेकिन त्रावणकोर, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन्होंने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, और जिसमें त्रावणकोर जो था वो सबसे पहले था। अब इन्होंने क्यों स्वीकार कर दिया था और कैसे इनको मनाया गया, यही कहानियां हम पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। There were two types of provinces in British India, the British Indian provinces, which were directly under the control of British government, and princely states governed by Indian princes. Immediately after independence, there were almost 565 princely states, many of them joined Indian Union. But Travancore, Hyderabad, Kashmir and Manipur initially refused to join Indian Union. क्यों उन्होंने रिफ्यूज किया और फिर किस तरह से उनको यूनियन में, संघ में लाया गया, यही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनके लिए सरकार का दृष्टिकोण क्या था, सरकार ने किस तरह इनके लिए तैयारी की थी। तत्कालीन अंतरिम सरकार ने विभिन्न आकारों की छोटी रियासतों में भारत के संभावित विभाजन के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। मतलब जो छोटे छोटे, अब देखते हैं गवर्नमेंट का इनके लिए क्या रिएक्शन था, सरकार का दृष्टिकोण कैसा था इनके प्रति। सरकार जो है, तत्कालीन अंतरिम सरकार ने विभिन्न आकारों की छोटी रियासतों में भारत के संभावित विभाजन के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार को पहले से ही पता था कि अगर अंग्रेजों ने ये वाले विकल्प दिए हैं, देखिए अंग्रेजों ने साफ तीन विकल्प दिए थे, आप भारत में रहो, आप पाकिस्तान में जाओ और आप स्वतंत्र भी हो जाओ, तो सब स्वतंत्र ही होना चाहेंगे, सब यही चाहेंगे कि हमारा देश अलग बने। तो इस चक्कर में कई सारी रियासतें जो है भारत से अलग हो सकती थी, इसलिए सरकार ने शुरू से ही कड़े कदम उठा लिए थे। तो बहुत छोटी छोटी जो रियासतें थे, आप सोचिए कि 565 रियासतें हैं, तो जो बहुत छोटी छोटी रियासतें थी वो तो शुरुआत में ही भारत के साथ आ गई थी, ठीक है। देन इंटरिम गवर्नमेंट टुक अ फर्म स्टेप अगेंस्ट द पॉसिबल डिविजन ऑफ इंडिया इंटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब सरकार के दृष्टिकोण को तीन विचारों के द्वारा निर्देशित किया गया था। तीन विचार क्या थे? The government's approach was guided by three consideration. अब वो तीन विचार क्या क्या थे? अधिकांश रियासतों के लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे। उनको पता था कि अगर हम छोटे देश हैं, हम छोटे से राज्य हैं, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो अलग हो भी गए तो एक राष्ट्र की तरह सर्वाइव ज्यादा दिन कर नहीं पाएगा, ठीक है। द पीपल ऑफ मोस्ट द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वॉन्टेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। दूसरा, सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए लचीला होने के लिए तैयार थी। सरकार ये भी जो है ऑटोनॉमी भी उनको दे रही थी ताकि वो अपने आप को गुलाम महसूस ना करे भारतीय संघ में आके। द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। और तीसरा, राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं के सुदृढ़ीकरण ने सर्वोच्च महत्व ग्रहण कर लिया था। बाकी राज्यों के लिए शायद हम, क्योंकि अगर अंतरिम सीमाओं में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उनको अधिग्रहित करेंगे, लेकिन जो सीमा वाले क्षेत्र हैं उनको किसी भी हालत में हम जाने नहीं दे सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सामरिक महत्व से, रक्षा के महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. तो ये तीन जो थे वो सरकार के महत्वपूर्ण बिंदु थे और इन्हीं के चलते सरकार ने जो विलय वाला काम है वो यही सोच के किया कि इन तीन को तो कम से कम अपने हाथ से जाना ही नहीं देना, इस तरह से इनको भारत संघ में विलय करवाना है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं. आगे चलते हैं. अब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से किया गया कमिटमेंट है जो राज्यों के साथ सरकार ने किया और सरकार ने राज्यों से करवाया. अधिकांश राज्यों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर का विलय बाकी की तुलना में बहुत कठिन साबित हुआ. मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऐसे कागजात थे जिन पर साइन करने के बाद वो भारत के में विलय हो सकते थे. अगर हम इनको सीधी भाषा में कहें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन को हम विलय पत्र कह सकते हैं. विलय पत्र मतलब राजा अपनी तरफ से लिख के दे कि भई हम भारत संघ में विलय हो रहे हैं, और इस कागजात को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन. ठीक है. द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सक्सेशन एक्सेशन, बट एक्सेशन ऑफ द जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट. प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद सितंबर 1948 में हैदराबाद को एक सैन्य अभियान द्वारा भारत संघ में मिलाया गया. भारत सरकार सितंबर 1949 में एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मणिपुर के महाराजा पर दबाव डालने में सफल रही, और सरकार ने मणिपुर की लोकप्रिय निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना ऐसा किया. यानी कई जगह भारत सरकार को भी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था राज्यों को भारत संघ में विलय करवाने के लिए. After initial resistance in September 1948, Hyderabad was merged with Indian Union by a military operation. तो ये आपको ध्यान में रखना है, हैदराबाद का मर्जर जो हुआ था वो मिलिट्री ऑपरेशन के बाद हुआ था. The government of India succeeded in pressurizing the Maharaja of Manipur into signing a merger agreement in September 1949. The government did so without consulting the popularly elected legislative assembly of Manipur. तो कहीं ना कहीं जो है टेढ़ा रास्ता भारत सरकार को भी अपनाना पड़ा राज्यों को विलय करने के लिए. अब आप देख सकते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे मणिपुर को किस तरह विलय किया गया, तो सबसे पहले हम मणिपुर की स्थिति देख लेते हैं. मणिपुर की स्थिति भारत के अंदर जो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक सीमा का क्षेत्र है. सबसे पहले आप ये देखिए कि ये बॉर्डर एरिया है. ठीक है. दूसरा इसके इस तरफ जो है म्यांमार की सीमा होती है. चीन से ये नजदीक पड़ता है. बांग्लादेश के ये नजदीक पड़ता है जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जा सकता था. तो ऐसे में मणिपुर की स्थिति बहुत ही क्रूशियल थी. और अगर मणिपुर भारत के साथ नहीं होता तो देखिए क्या होता. हो सकता है कि इन निचले राज्यों से भी भारत का संपर्क कट जाता. तो ऐसे में भारत को अपनी ये अखंडता बनाए रखने के लिए मणिपुर की बहुत आवश्यकता थी. और हम वैसे भी किसी भी राज्य को, छोटे से छोटे राज्य को हमारे साथ से नहीं जाने दे सकते थे. ठीक है. तो इसलिए मणिपुर की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट थी. अब पढ़ते हैं कि भारत में मणिपुर का विलय कैसे हुआ. 15 अगस्त 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए ऐसे लगभग सभी राज्यों जिनकी सीमाएं भारतीय संघ के साथ लगती थी उनको लगभग एकजुट कर लिया गया था. लगभग वो सारे एक साथ आ गए थे. अधिकांश राज्यों ने के जो शासक थे उन्होंने परिग्रहण के साधन यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसका अर्थ यह था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत है. ठीक है. अब बिफोर अगस्त 15, 1947, थ्रू पीसफुल निगोशिएशन ऑलमोस्ट ऑल सच स्टेट्स हुज बॉर्डर्स विद द इंडियन यूनियन वर यूनाइटेड, बट द रूलर्स ऑफ द मोस्ट स्टेट साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विच मीन्स दैट देयर स्टेट हैड एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. ठीक है. लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस महाराजा बोध चंद्र सिंह ऑफ मणिपुर हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू मेंटेन द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर.
आजादी के समय मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए थे। आंतरिक स्वायत्तता का क्या मतलब होता है? वो ये चाहते थे कि भारत सरकार के साथ तो हम हैं, बिल्कुल रहेंगे ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स के साथ थे, लेकिन हमारे राज्य में हमारी जो आंतरिक मामले होंगे उनको सिर्फ हम हैंडल करेंगे। तो ये आंतरिक स्वायत्तता चाहते थे महाराजा बोधचंद्र। जनमत के दबाव में, बाद में जनमत कराया गया था, जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। देखिए वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी गई थी। इसी प्रकार मणिपुर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग था। जब हमने चुनाव के बारे में सोचा भी नहीं था उस समय मणिपुर में चुनाव हो गए थे और राज्य में संवैधानिक राजतंत्र यानी एक तरह से पूरी तरह से वो ऑटोनॉमी उस राज्य में स्थापित कर दी गई थी। अंडर प्रेशर फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। Thus, Manipur was the first part of India to hold elections. तो इस तरह मणिपुर भारत का पहला हिस्सा था जहां पर इलेक्शंस करवाए गए थे। मणिपुर की विधानसभा में विलय को लेकर अत्यधिक मतभेद थे, बहुत ज्यादा थे। मणिपुर की विधानसभा जो कि चुन के आई हुई थी, अब चुन के आई हुई सरकार ये कह रही है कि हम नहीं जाना चाहते भारत के साथ, तो भारत सरकार ने क्या किया, सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा के परामर्श के बिना ही एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने में महाराजा से सफलता प्राप्त कर ली। यानी भारत सरकार ने जो चुनी हुई सरकार थी उनको बिना परामर्श के महाराजा से साइन करवाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जनता त्रस्त थी और भारत सरकार हमेशा से जनता का ही भला चाहती थी। अब कई बार ये तर्क भी दिया जाता है कि ये गलत था ये सही था, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये हुआ कुछ इसी तरह था कि जो लोकप्रिय सरकार चुनी गई थी बिना उसकी सहमति के मणिपुर के जो महाराज थे उनसे साइन करवा लिए गए थे। There were huge differences of opinion regarding the merger in the Legislative Assembly of Manipur. The government of India had succeeded in getting an instrument of accession signed in September 1949 without consulting the Legislative Assembly of Manipur. तो यही वजह है कि आज भी कई बार मणिपुर के जो मुद्दे उठते हैं मणिपुर में कि भारत सरकार ने हमसे पूछा नहीं या फिर हमारा मत नहीं लिया, तो ये चीजें कई बार आज भी उठती है, लेकिन ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि भारत सरकार या भारत संघ में विलय के बाद मणिपुर का उत्थान ही हुआ है। उसके बाद उसी के पास एक और हिस्सा है जिसको त्रिपुरा कहा जाता है। त्रिपुरा भी उसी समय रियासत के रूप में था, तो उसका विलय कैसे हुआ ये भी हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि आपकी बुक में इसके बारे में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन हम उसको एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह से त्रिपुरा का भारत में विलय किया गया। 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा क्या था, एक रियासत थी। यानी कि 15 नवंबर 1949 दो साल दो महीने तक त्रिपुरा भारतीय संघ में नहीं मिलाया गया था। त्रिपुरा वॉज अ प्रिंसली स्टेट अंटिल द मर्जर विद द इंडियन यूनियन इन नवंबर 15, 1949। 17 मई 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह के निधन के बाद महारानी कंचन प्रभा जो कि उनकी वाइफ थी उन्होंने त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व संभाला था। महारानी कंचन प्रभा वाइफ ऑफ महाराजा वीर विक्रम सिंह टुक ओवर द प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा आफ्टर द डेथ ऑफ वीर विक्रम सिंह द लास्ट महाराजा ऑफ त्रिपुरा ऑन May 17, 1947। भारतीय संघ में त्रिपुरा राज्य के विलय में उन्होंने बहुत सहायता की थी, उन्होंने ही सहायक की भूमिका निभाई थी ठीक है। शी प्लेड अ सपोर्टिंग रोल इन द मर्जर ऑफ त्रिपुरा स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। अब कई बार जो है इसके विरोध में तर्क दिए जाते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे त्रिपुरा, उनके विरोध में कुछ तर्क दिए जाते हैं। वो तर्क भी आपको पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते जानना जरूरी है कि क्या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहली कि दोनों राज्यों के अक्षम अधिकारियों द्वारा ड्यूरेस के तहत विलय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मणिपुर के बारे में ये कहा गया कि महाराजा जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था फिर भी महाराजा ने साइन किए और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे नहीं पूछा गया, इसलिए ये गलत था। और त्रिपुरा के बारे में कहा जाता है कि महारानी तो वास्तविक शासिका थी नहीं तो उनसे साइन करवाए गए, तो ये दोनों को ही गैर कानूनी इसीलिए कहा जाता है। द मर्जर एग्रीमेंट्स वर साइंड अंडर ड्यूरेस बाय इनकॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स ऑफ बोथ द स्टेट्स। दूसरा, एक निर्वाचित विधायिका
और सरकार की स्थापना के बाद मणिपुर में राजा का राज्य नाम मात्र का रह गया था शासन, फिर भी राजा से सिग्नेचर करवा के और उसको मर्जर को कंफर्म मान लिया गया था। With the establishment of an elected legislature and government, the king of Manipur became nominal ruler of the state. एक पक्षीय विलय के बाद त्रिपुरा रियासत में महारानी कंचन प्रभा की भूमिका हमेशा संदेहास्पद रही। मतलब क्यों महारानी कंचन प्रभा ने सहायक की भूमिका निभाई, किस प्रकार से महारानी की भूमिका को हम वैलिड माने, ये भी आज तक बहस का मुद्दा बना हुआ है। आफ्टर द यूनिलैटरल एक्सेशन द रोल ऑफ महारानी कंचन प्रभा इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा वॉज ऑलवेज क्वेश्चनेबल, कि भी मंत्रियों और उनसे कोई सलाह ली नहीं गई थी। और कुछ समूहों द्वारा ये तर्क भी दिया जाता है कि इन देशों के राज्यों का विलय अनुचित तरीके इन दोनों राज्यों का विलय अनुचित तरीके से किया गया था। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड बाय सम ग्रुप्स दैट द मर्जर ऑफ दीज टू स्टेट्स वर डन इम्प्रॉपरली। अब क्या तर्क दिए जाते हैं, लॉजिकल क्या है, इलॉजिकल क्या है, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या तर्क है, किस तरह से क्या काम किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाया गया और भारतीय संघ की पूर्णता के लिए ये आवश्यक भी था कि जो अंग्रेजों ने बांट दिया है, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान कर दिया है, उसके अलावा हम किसी भी छोटे से छोटे स्टेट को अपने हाथ से नहीं जाने देते। यही वजह थी कि भारतीय संघ में एक एक रियासत को मिलाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था और वल्लभ भाई पटेल ने ये बहुत मजबूती के साथ ये काम किया और इसीलिए तो उनकी स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, क्योंकि भारत को यूनाइटेड करने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। ये सभी किस तरह से किए जाएंगे, क्या इनके पीछे डिप्लोमेसी होगी, ये सब उन्हीं ने सोचा था। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम अगली किसी रियासत की मर्जर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।